हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी प्रीमिक्स की रेसिपी जिससे कि आप अलग अलग डिशेज बना सकते हैं, जैसे कुल्फ़ी, फालूदा, मटका कुल्फी। मैं एक एक करके आपके साथ सारी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो आज हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं रबड़ी। ये जो रबड़ी है बिल्कुल इंस्टेंट है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आते हैं तो आप उनको भी ये खिला सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसे 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने इधर वाइट ब्रेड ली है। उसके बाद हम रफली इसके पीसेस करके इसको अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरह का पाउडर बना लेंगे। अब हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमें डालना है अपना ये पाउडर। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये भी हम प्रीमिक्स तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप रबड़ी, आइसक्रीम, मटका कुल्फ़ी, कुल्फ़ी या फिर जो दूध मिलता है ना मार्केट में, वो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको एक बोल में निकाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मैंने इधर 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। उसके बाद मैं इसमें इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर। शुगर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से काजू जो है वो चॉप करके डाल दिए हैं और थोड़े से बादाम भी मैंने इसमें चॉप करके डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब आप इस एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल लें। आपका ये जो प्री मिक्स है ये कम से कम 6 महीने तक चलेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के बंद कर दिया है। अब आप एक बोल या फिर कढ़ाई लें, उसमें आप अपने प्रीमिक्स को डालें। उसके बाद मैंने इधर 1 कप दूध लिया है। आप दूध को धीरे धीरे करके अपने प्रीमिक्स में ऐड करें और आपको इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे कि आपका जो प्रीमिक्स है वो नीचे लगे ना और इसमें लम्स भी ना बने और जो रबड़ी है वो गाढ़ी बने। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है और उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। जो फूड कलर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब फूड कलर को डालने के बाद हम अपना बचा हुआ दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और इसे बिल्कुल गाढ़ा बनाएंगे, जिससे कि ये जो रबड़ी है बिल्कुल बाजार जैसी लगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये देखिए, अभी मैंने इसे थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए, ये जो दूध है इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट और चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, इसमें कितनी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जब हमारा दूध अच्छी तरह से उबल जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल गाढ़ी, बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी बन गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और हम इसे बादाम के साथ गार्निश करेंगे, इससे बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी लगेगी। तो ये देखिए, हमारी जो रबड़ी है बनके तैयार है और बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी न्यू रेसिपीज़ मिलती रहें।